आप सभी भाइयों को मेरे और मेरे सभी बर्ड्स की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विथ मोहित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी सुबह का समय है और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और अब तक हमने अपने बजीज पैरेट की सभी मटकियों को भी हटा दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि गर्मियों को देखते हुए हमें अपने बर्ड सेटअप में सफाई करना कितना जरूरी है। साथ ही अभी सुबह के समय ही हमने बर्ड्स को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आज हमने सेटअप की जो है वो अच्छी तरह से सफाई की है। आप देख सकते हैं, सफाई करने के बाद जो तिरपाल है उसे भी हमने हटाया है, चेंज किया है, दूसरा साफ तिरपाल हमने लगाया है। और आप मेरे सभी बर्ड्स को देख सकते हैं, चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं। ये जो व्हाइट तिरपाल हमने लगाया हुआ है जाली में, तो व्हाइट तिरपाल की सहायता से सुबह के समय जल्दी जब रोशनी होती है तो कॉलोनी के अंदर भी रोशनी हो जाती है। और अब जो है वो सफाई करने के बाद हम बर्ड्स को खाने के लिए कुछ विशेष भोजन देने वाले हैं जो कि गर्मियों में काफी लाभदायक रहेगा बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स काफी शौक से भी खाएंगे। तो चलिए, पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बर्ड्स को आज मैं खाने के लिए क्या देने वाला हूँ, और हमारे बर्ड्स भी थोड़े भूखे होंगे क्योंकि सफाई करते समय लगभग एक घंटा लग जाता है अच्छी तरह से कॉलोनी से सारा कचरा उठाने के बाद। हम जो है वो साफ पानी में फिनाइल और डेटोल मिलाकर कॉलोनी को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, उसके बाद जो नया तिरपाल है साफ तिरपाल लगाते हैं। इस दौरान जो दीवारें हैं उनकी भी सफाई की जाती है। आप देखें कि ऐसी जगह की भी अच्छी तरह से सफाई की जाती है, और आप देखेंगे हमने बिल्कुल क्लीन जो है वो तिरपाल लगाया है फर्श पर। जब हमारे सेटअप पर अच्छी सफाई रहती है तभी हमारे जो बर्ड्स है वो इतने हेल्थी और बिल्कुल फिट रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को खाने के लिए आज क्या सॉफ्ट फूड दिया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सॉफ्ट फूड में आज सभी तरह के मिक्स वेजिटेबल हमने मिक्स किए हैं और उन्हें क्रश करने के बाद हमने अपने बर्ड्स को दिए हैं। तो आप देखेंगे बर्ड्स बड़े ही चाव से इन सभी वेजिटेबल्स को खा रहे हैं। तो मैं आपको यह भी बताना पसंद करूंगा कि इसमें कौन कौन से वेजिटेबल हमने मिक्स किए हैं। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट गाजर है, उसके बाद में खीरा है, उसके बाद ककड़ी है, लौकी है, और उसी के साथ ही अगर पत्तेदार सब्जी की बात की जाए तो इसमें हमने पालक और धनिया मिक्स किया है। तो इन सभी को अच्छी तरह से हमने इस तरह से बारीक किया है, क्रश किया है, ताकि हमारे सभी बर्ड्स बड़ी आसानी से बड़े ही शौक से इसे खा सके। तो दोस्तों, आप देखें कि हमारे जो सभी बर्ड्स हैं वो बड़े ही चाव से काफ़ी शौक से इसे खाना पसंद कर रहे हैं। तो इस डाइट के काफ़ी बेनिफिट है गर्मियों में। गर्मियों में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके बर्ड बिल्कुल फिट रहेंगे, गर्मियों की चपेट में नहीं आएंगे, और अगली सर्दी अगले ब्रीडिंग सीजन में जो ब्रीडिंग आप सभी को देंगे वो रिजल्ट काफ़ी देखने लायक होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आप अपने बर्ड्स को खाने के लिए दें, सेटअप की अच्छी तरह से आप सफाई करें, और अब गर्मियों में बर्ड से ब्रीडिंग ना लें। दोस्तों, अगर आपके बर्ड सेटअप पर इस सीजन में बर्ड्स ने 3 से 4 बार ब्रीडिंग कर दी है तो अब आप उनकी मटकियां हटा दें, उनसे ज़्यादा ब्रीडिंग ना लें। तो ये हमारी तरफ से आज बर्ड्स के लिए विशेष भोजन है जो कि हमारे बर्ड्स काफ़ी शौक से खा रहे हैं, और आप भी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ऐसी चीज़ें आप भी अपने बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप देखें कि सभी बर्ड्स जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं इधर उधर, और कुछ बर्ड्स इसे खाने में लगे हुए हैं। तो सभी बर्ड्स इन्हें खाएंगे और धीरे धीरे खाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेट एक है, फिर भी काफ़ी बड़ी है, प्लेट छोटी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को ये बताना पसंद करूंगा कि सेटअप में गर्मियों के समय अच्छी तरह से सफाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। गर्मियों में क्या होता है कि जब सेटअप में काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, बर्ड जब नीचे उतरते हैं तो ऐसे में बर्ड के आई इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब ज़्यादा गंदगी होती है
तो बर्ड्स जब नीचे उतरते हैं खाना खाने के लिए, तो जब वो गंदगी में पड़े हुए खाने को उठाकर खाते हैं तो उनके पेट में वर्म्स पैदा होने के काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप सभी को डीवॉर्मिंग करवानी पड़ती है। अगर आप डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं या सही तरह से आप अपने बर्ड को डाइट नहीं देते हैं तो आपके बर्ड कमजोर होने लग जाते हैं और इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स आती है। और आपको सामने एक यहाँ पर एक पिंजरा पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पिंजरा हमने वहां पर क्यों रखा हुआ है। ये पिंजरा जो है वो है इसलिए कि जब बच्चे निकलते हैं उन बच्चों को अलग करने के लिए, उन्हें अपने लव बर्ड से भी काफी अच्छी ब्रीडिंग भी ली थी। तो दोस्तों अब आप देखें कि हमारे जो सभी बर्ड्स है वो नीचे उतर चुके हैं और इस ताजे सॉफ्ट फूड को बड़े ही शौक से खा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। Thank you.